students, let us, the bottom line is, एक क्लास के कुछ पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट में है brainstorming, स्टूडेंट्स को टॉपिक के बारे में बताना ताकि स्टूडेंट्स का माइंड इसके लिए रेडी हो जाए, brainstorming हो, जैसे मैंने लैंग्वेज के बारे में बात की, आपके जहन में क्या क्या आएगा, चला आपको अटा कर तो ये सीखे ही हो, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, ब्याह का चीज होता है, लैंग्वेज इज द एक्सप्रेशन ऑफ अवर माइंड, ब्याह का चीज होता है, इंग्लिश लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक अर्थ ये होता है, लैंग्वेज इज द एक्सप्रेशन ऑफ अवर माइंड, तो उसमें क्या है, ये इसका बेसिक सही ब्रेनस्टॉर्मिंग है, अब ये टॉपिक है, इस टॉपिक को हम रीड करेंगे और इसके बाद इसकी इवैल्यूएशन करेंगे, सबसे पहले आप रीडिंग करेंगे, ठीक है, सारे बच्चे इस गई रीडिंग करें, शाबाश, सिंपल सेंटेंसेस है, द हिंदू अखबार है, सबसे अच्छा अखबार है, मैंने पढ़ा है, आज ज्यादा नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि अब ये न्यूज़पेपर का वो कल्चर थोड़ा वीक हो गया, लेकिन उसके लिए हर एक स्टूडेंट को रेस्पेक्ट होना चाहिए, द हिंदू अखबार है, 1857 से है, उसकी लैंग्वेज बहुत ही ब्यूटीफुल होती थी, बड़ा बड़ा टॉपिक भी वो सिंपल वर्ड्स में कहता था, और इतना बड़ा अखबार जो 1857 से है, कंट्री का लीडिंग पॉलिटिकल पेपर है, इतनी यूसिड लैंग्वेज है इसकी, मीठी ज़बान है, एक आम बच्चा भी, एक आम इंसान भी आसानी के साथ पढ़ सकता था, इसके बरक्स ग्रेटर कश्मीर की जो लैंग्वेज होती थी, जब हम स्टूडेंट्स थे तो पढ़ते थे, थोड़ा लैंग्वेज टिपिकल होती थी, ऐसे वर्ड्स होते थे, इंसान चौंक जाता था, लेकिन कम्युनिकेशन के लिए सबसे अच्छी लैंग्वेज क्या है, यूसिड या कॉम्प्लिकेटेड, कम्युनिकेशन के लिए हाँ कश्मीरी मदर टंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट अगर आपके पास ज्यादा जबानें हैं तो आप पॉलीलिंगुअल हो, क्या हो, पॉलीलिंगुअल माने कि ज्यादा जबानें सीखता हो, जबान को सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है लिसनिंग, यू लिसन प्रॉपरली, इसको सीखने के लिए यू अंडरस्टैंड, आप अपने आप को रेस्पेक्ट करें, अंडरस्टैंड करें चीजों को, लिसनिंग करें, रीडिंग इज इंपॉर्टेंट, स्पीकिंग इज इंपॉर्टेंट, You should learn the art of speaking. ठीक है? पहले एरर्स होते हैं, लेकिन अगर सही टेक्निक से सीखा जाए तो लैंग्वेज सीखना as easy as ABC, as easy as एक पार्ट आपने किया, आपने रीडिंग की, इसको कहते हैं मास रीडिंग, उसके बाद टीचर करेगा रीडिंग, इसको कहते हैं बेटा क्या, मॉडल रीडिंग, ताकि अगर आपने कोई एरर हो वो एरर दूर हो जाए, जैसे मैं इसकी रीडिंग करता हूं, Grammar is the study of words. Grammar is the study of words and how words work together in a sentence. Grammar words की study है और words कैसे काम करते हैं sentence में. जैसे बताओ, I play hockey. सारे बताएंगे I play hockey. जरा ऐसी ऐसी यार the sentences बोलो. I play chess. I play cricket. I play football. मैं खेल सकता हूँ. हाँ जरा ये बोलो, हाँ चलिए हम खेलते हैं, चलिए हम पढ़ते हैं, चलिए हम घूमते हैं, that's the mother, that's wander, ठीक है, sometimes wandering means when you move purposeless, हाँ, to give yourself some space and vent and have some air मतलब थोड़ी सांस लेना, सिगरेट से बाहर जाना, I want to have some air. देखो आपको बोलना भी आता है, रीडिंग भी करनी आती है, ठीक है, जैसे आपको बोलना है मैं ड्राइव कर सकता हूं, जरा इसको अंग्रेजी करो, अब ऐसे ही 10 सेंटेंसेस बोलो, I can play, I can swimming, I can sing, sorry, हाँ हाँ ऐसे मेरे से भी वह सेंटेंसेस आएंगे, ये जरूरी है, जरा इसको अंग्रेजी करो, इट इज सिग्निफिकेंट, ज्यादा बेटर रहेगा, इट्स इंपॉर्टेंट, हाँ मुझे ये पसंद है, आई लाइक इट, दैट मीन्स एबिलिटी आप में है,
बस आप में मेहनत भी नहीं है, थोड़ी चंगी है इधर, आप ब्रिलियंट बच्चे हो इसलिए मैं कभी आपको मारता हूं, आई एम सॉरी फॉर दैट, मारता नहीं हूं ऐसे करता हूं। अच्छा, सबसे पहले मैं कहूंगा कुछ टॉपिक यहां पर हमने लिखा है, ग्रामर वर्ड्स की स्टडी, जरा इसको इंग्लिश करो, और वर्ड्स कैसे वर्क करते हैं सेंटेंस, इजी एज इजी एज एबीसी। यहां पर हमने एबीसी जो कहा, ये एक आप ये भी कह सकते हो हाँ ये इडियम है, वर्ड्स लुक डिफरेंट मीन डिफरेंट, इट मीन्स वेरी इजी, इट मीन्स इट इज नॉट माई कप ऑफ टी, जरा ये बोलो ना, इट इज नॉट माई कप ऑफ टी, जरा आप सब यही बोलो, इसका मतलब क्या है, हाँ मैं नहीं कर सकता, मैं यही करूंगा, मैं यही करना चाहता, समथिंग लाइक दैट। अंग्रेजी एक जमान है, जरा इसको अंग्रेजी करो, इंग्लिश से लैंग्वेज, ये बहुत जरूरी है, अगर मैं कहूं और ये बहुत जरूरी है, एंड इट इज वेरी चुनल से कट कर सही बना सुट हो सुन, नहीं ऐसा नहीं चलेगा, सॉन टू गुड, एक थॉट प्रोसेस होता है टीचर का, मुझे बच्चे को कहां से कहां लेना है, आप जब इसमें डिस्ट्रक्शन करते हो तो टीचर इरिटेट होता है क्योंकि वो रिदम खत्म हो जाती है, ठीक है, एंड इंटरफियर करना दूसरे के बिजनेस में, इज इट गुड और बैड, बैड, यू हैव टू लिसन, यू आर रेस्पॉन्सिबल, स्टूडेंट्स आर रेस्पॉन्सिबल सिटीजंस, ऑनरफुल स्टूडेंट्स, द स्कूल इज योर्स, इट्स नॉट ours, टुमारो ऑलरेडी समवेयर एल्स, बट यू आर द सोसाइटी, इट इज द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड द पब्लिक ऑफ द पर्टिकुलर एरिया इज यू, इट इज योर हायर सेकेंडरी, मेक इट अ मॉडल हायर सेकेंडरी थ्रू योर बिहेवियर इन द क्लास, यू गॉट इट, इफ यू हैव गॉट दैट सेंस ब्रांड्स, एनीवे क्योंकि ये मीडियम है साइनस का, जरा इसको अंग्रेजी करो, हाँ सिंपल सेंटेंस है, बिकॉज इट इज द मीडियम ऑफ, जैसे मैंने तो हिंदू की एग्जाम्पल दी, इसीलिए दी ताकि आपको आसाइश हो सके ये अंडरस्टैंड करने में कि आसान जबान का यूज करना आप बड़े बड़ी चीजें कर सकते हैं। ये बताओ ये मीडियम है साइंस और टेक्नोलॉजी का, अगर ये कहेंगे क्योंकि ये मीडियम है साइंस और टेक्नोलॉजी का, बिकॉज इट्स द मीडियम ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैं स्टूडेंट से ये करूं खरा ही उसको सब कुछ कहना, लेकिन आई विल रिकमेंड यू बी सस्पेंडेड फ्रॉम द क्लास फॉर टॉकिंग ऑल द टाइम मैड बैक मच नॉट पेइंग अटेंशन, इट इज डिस्गस्टिंग एंड पैथेटिक, बैड वर्ड्स, डोंट फेच बैड वर्ड्स, फेच गुड वर्ड्स, ठीक है, फेच माने गेट करना, टू गेट समथिंग, आई फेच इट टू, हाँ इंपॉर्टेंट वर्ड है, कोई उस तरह से नहीं करता है, जब आप करोगे तो आपकी जबान का जो इंपैक्ट है दैट ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज लैंग्वेज डिफाइन्स यू, इट्स योर पावर, द वे यू यूज इट, इट इज योर प्रॉपर्टी, लैंग्वेज एक्सप्रेशन है हमारे माइंड का, जरा इसको इंग्लिश करो, लैंग्वेज की दो किस्में है, इसको अंग्रेजी करो, लैंग्वेज इज ऑफ जबान की दो किस्में, क्या क्या है स्पीकिंग में, क्या क्या आता है,
साउंड्स कितनी सारी है, कॉन्सोनेंट कितनी है, वोवेल कितनी है, डेप्थोन कितनी है। आवाजों को भरने के लिए कोई किस किन ऑर्गन्स की जरूरत है? लंग्स और खुरपाए, ट्रैकिया जिसको कहते हैं, कॉटिलेज से बना है, सॉफ्ट बोन कॉटिलेज, इसोफैक्स गुड, लैरिंक्स या क्रुप क्रुप एंड लंग्स। लंग इज लाइक ए ट्री, इसमें लीव्स है, एल्वियोलाई, वहां से ऑक्सीजन ट्रांसफर होता है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस चला जाता है, ऑक्सीजन यहां से जाता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द लंग्स। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा तो यहां पर ये वोकल फ्लैप्स को सिट्राइव करेगा, आवाज होगी, जरा करो आ ई ट्वेल्थ के स्पेशल मगर कल आई अंतरिक्ष पुलिस परीक्षण गया सर, तो मैं इस मन से और उन्होंने मुझे भी हंसाया जैसे हम कोई गलत बात कह रहे थे, ठीक है नहीं, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस थी कि 11th वाले जो है ये तेज है, जैसे कॉन्सोनेंट साउंड, जरा बुक पढ़ो, बुक की पहली साउंड क्या है, बुक, ये कॉन्सोनेंट है या वोवेल, क्यों, क्योंकि हमारे मुंह में रुकी रिलीज से पहले, जैसे सी बोलो, सी क्या कॉन्सोनेंट है या वोवेल, ई टीचर का काम है वो लाइक ए गार्डनर, गार्डनर का काम है जहां से ब्रांच थोड़ी आ रहा है वहां काटती है ताकि ये फुलाब ये गार्डन भेड़े बोलो। अच्छा हाँ, कॉन्सोनेंट वोवेल है जो रुकेगी रुकेगी नहीं, और डेप्टोंग है जो दो वोवेल्स होंगे, कितने वोवेल्स होंगे, टू वोवेल्स, जैसे जैसे ये मैंने लिखा ये जे यू एम ई जून, लेकिन ये क्या है, ये भी जून है, ये दसून नहीं है, ये जून है, ये दसून है, ये दसून नहीं है, आगे आ जाओ, इसको दिखाओ इस दसून को, ये जो डीजल है ये डीजल नहीं है, ये जू है, क्या है, जू, ये ऊ है, ये न है, तो बोला जू, तो ये स्पेलिंग है, ये स्पेलिंग उसकी क्या है, साउंड्स, जू और नू, नाइन्थ के क्लास में पहले ही टेक्स्ट में इंग्लिश में ये था, लेकिन आपने ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा, और आवाज को एक साल करना था, ये आवाज कैसे निकलती है इसका आपको आइडिया नहीं होगा, आई एम क्वाइट श्योर, मेबी चलो हो नहीं सकता है आपको ज्यादा हो, जब ये सांस बाहर निकलती है, बस सोचा फिक्स, जब ये सांस बाहर निकलती है तो इस हवा से यहाँ पर गिटार तीरस कॉर्ड्स तुम आसन त्रामो या मेटलिक तुम किम च आसन मार्ज मार्ज लीजिए थोड़ा हार्ड, उनको कहते हैं वोकल कॉर्ड्स, क्या कहते हैं, या वोकल फ्लैप्स, वोकल कॉर्ड्स या वोकल फ्लैप्स। जब ये आवाज उनके साथ लगती है, जब ये आवाज उनको लगती है तो आवाज निकलती है, जैसे बस इसको अब बनाना नहीं है मसला, ये साइंस का पार्ट है, ये आवाज, ये हवा जब यहां से निकला किसको स्ट्राइक किया, बस हो गया बेटा, वोकल फ्लैप्स को, किसको स्ट्राइक हुआ, वोकल फ्लैप्स, वोकल, हेलो गर्ल्स, गर्ल्स
That's not the right way, please. Ah, 24 Psalms. It you introduce you to book issues. ऐसे एक्टिविटीज से आप इंट्रोड्यूस करते हो, आपका इंट्रोडक्शन रेस्पेक्टफुल होना चाहिए. चाइल्ड माँ की गोद बच्चे का पहला स्कूल है. फादर मदर दिस इज द फर्स्ट टीचर एंड दिस इज द फर्स्ट एजेंसी ऑफ एजुकेशन इन एजुकेशन साइनस agencies of education. The first is family and then it is school. And then your parents said this entire thing. I have observed over the two decades that parents provide only 20-30% or 10% support in developing the brand. They give the student the food, the clothes, the fee, but the important thing is that they lack in training their kids to a respectable season. यहाँ पर सिलेबस का भी है, गाइडलाइंस है, लेकिन घर जो है वो सबसे पहला एजेंसी है एजुकेशन का. आपके मॉरल्स कैसे हों ये आपकी फैमिली भी डिसाइड करती है. ये साउंड किसके ये आवाज किसको टकराई? वहां से क्या निकला? साउंड. सर करो आ, अगर सीधा निकला कौन सा है? अगर करो बा, वॉवेल करो इया, हाँ. आवाज को चेंज कौन करते हैं? आर्टिकुलेटर्स. कौन कौन है आर्टिकुलेटर हमारे मुंह में? टीथ, लिप्स, सॉफ्ट पलेट, हार्ड पलेट. जरा टी बोलो. ये हवा किसने रुकाया? हार्ड पलेट ने. कहां पर? टॉप पर. किसकी हेल्प से? टंग के टिप की हेल्प से. कंट्रोल कौन कर रहा है? दिस इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. एंड द टी इज कॉन्सोनेंट साउंड एंड ई ये कौन सी साउंड है? वॉवेल. अब जब आप लिखते हैं बोला तो ये ध्यान रखिए, ठीक है? एक लेसन प्लान होता है, दूसरे के काम में इंटरफेयर मत कीजिए, ठीक है? अगर मैं पढ़ना ये चीज देखना हराम हराम है. अगर बोल सकता है डिलीवर करने की तो हम लैंग्वेज डेवलप करने की इशा हराम फूड को जमा पन्ने फैमिली की हराम. अगर आप मुझे डिस्टर्ब करोगे ये हलाल फूड कमाने के लिए तो ये राइट है या रॉन्ग? ऑनेस्टली बोला ये रॉन्ग है. देखो जो मैं बोलूंगा ना वही बोलना. साउंड कैसे बनती है जरा इसको इंग्लिश करो. हेलो इंग्लिश करो इसको. साउंड कैसे बनती है? आप करो फिर से ट्रांसलेट. साउंड बन जाती है. साउंड इज प्रोड्यूस्ड जब दो चीजें ऑब्जेक्टिव से ट्राई करते हैं एक दूसरे को. वाइब्रेशन होती है और साउंड प्रोड्यूस होती है. हमारा और बाहर निकला हुआ सांस आवर ब्रेथ आउट एयर स्ट्राइक करता है और स्ट्राइक करता है वोकल फ्लैप्स को या वोकल कॉर्ड्स को. वाइब्रेशन हो जाती है एंड साउंड इज प्रोड्यूस्ड. और क्या होती है? साउंड प्रोड्यूस होती है. बॉयज लिसन, ये साउंड मीनिंगलेस होती है. ये मीनिंगफुल बनाई जाती है. इट इज मेड आर्टिकुलेटर से बाय आर्टिकुलेटर. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ आर्टिकुलेटर्स? ARTICULATORS articulators which modify sound. जैसे टंग ने टी को मॉडिफाई किया है the hard plate. This is what? This is done by articulator. Wonderful. I conclude. Yes. ये क्या है? जोड़.
ये शुड बी जोन नहीं ये जोन हो ये क्या है सी सिर्फ ई ये क्या है कप ये कप आ प ये साउंड्स है ये के नहीं है ये क प प कप ये सी ये स ये ई आई और आई के बाद ये जो डॉट्स है इसको ई साउंड कहते हैं ये कैट है कैट लास्ट टू मिनट्स अब अगर यूनिट्स देखेंगे ग्रामर के जैसे मिलीग्राम्स ग्राम्स किलोग्राम्स ऐसे ही सबसे पहले क्या आएगा कितने हैं 26 वो क्या बनाएंगे वर्ड्स क्या क्या बनाते हैं क्लासेस पीरियड्स सेंटेंसेस क्या बनाते हैं पहला क्या बनाता है ये राइटिंग है या स्पीकिंग ये राइटिंग का ग्रामर है या स्पीकिंग का राइटिंग का लेटर्स भी आप जानते हैं वर्ड्स भी जानते हैं वर्ड की मीनिंग होती है सब्जेक्ट टू वर्ब रिलेशनशिप नहीं होती है और कंप्लीट थॉट नहीं होता है सेंटेंस का सब्जेक्ट टू वर्ब रिलेशन है और कंटिन्यू थॉट है ये यूनिट्स ऑफ ग्रामर है इनको अलग अलग पढ़ना है और वो जो है वो स्पीकिंग है ये क्या है राइटिंग जैसे हमने कहा था लैंग्वेजेस ऑफ टू एस्पेक्ट्स थैंक यू